अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है कि कल हम लोग गए थे फंक्शन में, दो दिन हो रहा था जाकर आने के बाद की वीडियो आई, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क का बहुत इशू था और मैं वीडियो मेरी बनकर रेडी थी, बस अपलोड नहीं हो रही थी, इसी वजह से मैंने कल अपलोड किया। और आज आप लोग क्या देखेंगे मेरी वीडियो में, दो दिन से हेवी खाना खाकर हम लोग थक गए थे, बिजार हो गए थे, तो सोची कि आज कुछ अपने पसंद का बनाती हूँ, तो जो मुझे पसंद है वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी फिक्की दाल, हरी मिर्ची का ठेचा और जवारी की रोटी। तो बहुत ही टेस्टी कॉम्बिनेशन है, बहुत ही मज़ा आएगा खाकर बनाकर। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, मैं जिस तरह बनाती हूँ बस वही शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा खास कुक तो हूँ नहीं, जस्ट जैसा आता है वैसा शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। तो और क्या बताना था मुझे, हाँ तो हम लोग गए थे फंक्शन में, यकीन मानिए बहुत इन्जॉय किया, गांव की शादी थी और हम लोगों को बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा फील हुआ। ऐसा लगा कि थोड़ा सा चेंजेस भी होना ज़रूरी है लाइफ में, रोज़ रोज़ की लाइफ से हम बेजार हो जाते हैं, तो कुछ अलग देखने को मिलता है। कहीं अगर हम जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो वो सब हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। और आज मेरा फेस आपको लग रहा है थोड़ा थोड़ा ऑयली सा, क्योंकि मैंने ऑयलिंग की है, क्योंकि मेरे सर में भी दर्द हो रहा था ट्रैवलिंग करने की वजह से। तो चलो खैर कोई बात नहीं, बातें बहुत हो गई, अभी करते हैं काम शुरू। और आप लोगों के साथ मैं मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक देख लो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कर लो। तो ये है तुवर की दाल जिसको मैं धोकर भिगा ली थी, और ये दाल को हम यूज़ करेंगे। तुअर की दाल बहुत ही हेल्दी होती है बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे अगर किसी की हाइट ना बढ़ रही हो ना, आप बच्चों को डेली तुअर की दाल खिलाइए, बहुत ही फास्ट हाइट बढ़ती है इससे, बहुत हेल्दी भी होती है। और तुअर की दाल का तो किसी को परहेज भी नहीं होता, तो हर लिहाज से तुअर की दाल अच्छी है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, और हम डालेंगे इसमें हरा धनिया, कोथमीर, और मैं इसमें डालूंगी थोड़े से लहसुन की कलियां डालूंगी बस। हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, नमक, और थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। और इसको मैं अभी ढक्कन लगाकर इसको चूल्हे पे रख दूंगी, 3 सीटी में दाल बिल्कुल गलकर रेडी हो जाएगी। जब तक दाल गलती है हम कर लेंगे बघार की तैयारी। बघारने के लिए एक छोटी सी प्याज चाहिए, और इसको हम खड़ा कट करेंगे, आड़ा नहीं। और चाहिए 4 से 5 6 हरी मिर्ची, इसको हम कट लगा लेंगे, इस तरह से कट लगाना है। और हम लेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, और ये सारी हरी मिर्ची में इसको हम मिक्स करने के बाद इस तरह से फिल कर देंगे। इसी तरह से सारी हरी मिर्ची में हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक को फिल करना है। कभी आप इस तरह की दाल बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। हरी मिर्ची में अदरक लहसुन हमने फिल कर लिया है, और हम लेंगे थोड़े से करी पत्ते, और हमारा बघार का सामान बिल्कुल रेडी है, और दाल भी गल चुकी है। और तो मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से बघाना है।
आप देख सकते हो बस 3 सीटी में दाल बहुत ही अच्छे से गल गई है। अब हम इसको इस दाल घेटने की मदद से घेट लेंगे। अच्छे से पेस्ट बना लेंगे इसका। बस ये पेस्ट हमारा, दाल का पेस्ट हमारा बनके रेडी है। इसमें हम पानी ऐड करेंगे, सिर्फ पानी ही ऐड करना है, बाकी कोई चीज़, कोई खट्टा इमली नींबू कुछ भी ऐड नहीं करना है इसमें। ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगती है। नमक तो हमने इसमें ऐड किया था, बस इसको मिक्स करेंगे। आप इसका लिक्विड अपने हिसाब से रख सकते हो, जिस तरह की आपको चाहिए। बस ऐसी नॉर्मल ही मुझे पसंद है। और मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से करी पत्ते और थोड़ा सा हरा धनिया। अब मैं इसको चूल्हे पे रख दूँगी, सिर्फ एक बॉईल आने तक इसको पकाऊँगी। दाल पकाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 स्पून ऑयल, 1/4 cup of lehsun अच्छे से फ्राई हो चुके हैं लहसुन और प्याज। अब हम इसमें ये हरी मिर्ची डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दाल में और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। तो आप इस तरह की एक बार दाल बनाकर जरूर देखिए। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हो प्याज लहसुन अच्छे से ब्राउन हो गया है और हरी मिर्ची भी तल अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब हम इसमें थोड़े से करी पत्ते डालेंगे, मिक्स करेंगे। और प्याज इसी तरह की ब्राउन होनी चाहिए, इसी तरह से दाल में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये हमारा बघार रेडी है। अभी मैं इसमें दाल में 1 बॉईल आ चुका है, इसको हम ऑफ कर देंगे चूल्हे को। और ये जो बघार क्या है इसमें ये दाल को ऐड कर, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार फीकी दाल बनकर रेडी है। आप देख लो इतनी टेस्टी होती है, आप अगर एक बार बनाओगे तो बार बार आपके बच्चे ज़िद करेंगे कि मम्मी फीकी दाल ही बनाना, इतनी टेस्टी होती है ये दाल। और मैं अभी बना रही हूँ हरी मिर्ची का ठेचा, जिसके लिए हमको चाहिए बहुत सारी हरी मिर्ची। आपके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, और जितनी हरी मिर्ची आप लोगे उसके एक हिस्सा आपको लेना है लहसुन और 2 टमाटर। टमाटर इसलिए ज़्यादा ली मैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते तेज़, तो अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप एक टमाटर स्किप कर दो, बस एक ही ले लो। एक कढ़ाई में आप थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। और उसमें आप डाल देंगे हरी मिर्ची, लहसुन और टमाटर। ये सब चीज़ें तो मैं साबुत ही डाली हूँ, सबको आपको फ्राई करनी है अच्छे से। फ्राई करना है और धीमी आंच से आपको सिम पे रख देना है 2-3 मिनट के लिए।
फ्राई करना है। इसमें हम डालेंगे नमक, फ्राई करेंगे नमक डालने के बाद भी। डालूंगी थोड़ी सी कोथमीर। आप देख सकते हो ये सब अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब आपकी मर्जी है, आप इसको हाथ से पीस सकते हो या फिर ग्राइंडर में पीस सकते हो, तो मैं ग्राइंडर में ही पीस लेती हूँ क्योंकि मिर्ची उछलने का मुझे डर लगता है। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसको हाथ से पीस सकते हो, लेकिन मैं इसको मिक्सी जार में पीस रही हूँ। तो इस ठेचे को हमने पीस लिया है, अभी हम इसको बघारेंगे। ठेचे को बघारने के लिए हम सबसे पहले डालेंगे ऑयल। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो आप इसमें 3 स्पून डालेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म भी हो चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे करी पत्ते और डालेंगे थोड़ा सा जीरा। हम इसमें ये पिसा हुआ पेस्ट डाल देंगे, हरी मिर्ची टमाटर लहसुन का। और इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। इसको फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो तेज़पन है, अच्छे से फ्राई करने पर ज़्यादा तेज़ नहीं रहता और ठेचा बहुत ही अच्छा बनता है और कच्चा भी नहीं रहता। कुछ देर तक फ्राई करेंगे इसको ऐसे ही। तो ये हमारा हरी मिर्ची का ठेचा बनकर रेडी है, बिल्कुल टेस्टी टेस्टी, तेज़ तेज़, गरम गरम। हाँ जी, तो हम सबने खाना खा लिया है और दाल और ठेचा बहुत ही टेस्टी बना था, सबको पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है, तो लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।